नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय पवार। जेएनएन न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। श्री मंडा जैन संघ दिल्ली द्वारा आयोजित किया गया चातुर्मास आराधना सत्र। हमारे संवाददाता ओमपाल प्रसाद जी ने की जैन आचार्य पूर्ण चंद सूरीश्वर जी से खास मुलाकात। आइए देखते हैं। आज हम जैन आचार्य पूर्ण चंद सूरीश्वरी जी से बात करेंगे कि आज उनके विचार क्या हैं और आज उन्होंने क्या क्या प्रोग्राम अटेंड किए। जनाब, क्या आपने कार्यक्रम आज अटेंड किया? आज सुबह से विधानसभा से ही जो हमारे कांग्रेस सदस्य पंचम महापौर कीर्तन हुए, क्योंकि आज उनका हमारा पावन पर्व चलता है और उसमें जो काफ़ी तमस्या होती है, जैन धर्म का रहता होता है, फिर क्रिकेट में वो भी होता है। जैन धर्म आप सबको भाई बात भी बताया कि जैन धर्म का कप, जैन धर्म के उपवास, जैन धर्म के फिर एक उपवास नहीं, किस किस कम दिन तक कुछ भी नहीं खाने का होता है, ऐसा भी उपवास। और हमारे वहाँ मतलब कि श्री मंडा जैन संघ दिल्ली में किसी तक की आराधना हुई, उसके अंतर्गत 36 उपवास होता है और सिर्फ 8 व्याचना होता है। इतना भारी नाम यह है कि सिर्फ 36 दिन तो बिल्कुल उपवास करने का है और बिल्कुल खाने का नहीं होता है, और फिर मतलब कि जिसमें 8 दिन उसको आराधना होता है तब व्याचना होता है। तो ऐसे महान तब्दील पूरा होती आज जो हुई है और उसके उपलक्ष्य में हम काफ़ी कार्यक्रम हुआ। इतना ही नहीं, हमारा प्रभाव पश्चिम महापुर में जो होता है उसके अंतर्गत 5 कर्तव्य होता है। सबसे पहले अहिंसा का फैलाव, अहिंसा का प्रचार प्रसार, दूसरी बात है भक्ति, तीसरी बात है समर्पणा, सभी से निष्साधकरण करने का होता है हमारे में। हाँ, जो कुछ भी गलती हो गई, जो कुछ भी किसी को हम बोला, किसी को बुरा लग गया, हाँ किसी से अनबन हो गया, किसी से कलह हो गया, दूसरा थोड़ा बहुत, इसके लिए हम सब माफ़ी मांगते हैं सबके सामने। हमने भूल की कि नहीं की वो बात जान दो, लेकिन सामने वाले को मन में बुरा भाव लगता है तो हम उसके सामने विषाणुकरण बोलते हैं कि जैन धर्म का माइंड विषाणुकरण में यानी कि क्षमा बना, जो कुछ भी गलती हो गई हाँ उसे भूल जाओ, उसको माफ़ी कर दो। हाँ, हम आपको क्षमाते हैं और आप भी हमको क्षमाओ, ऐसा क्षमापना का भी एक महान कर्तव्य हमने पूर्ण किया और सबसे हमने विषाणुकरण भी किया साथ में। हाँ, तपस्या की तो अम्बा लगती है जैन धर्म में और मुसी मंडा जैन संघ में हम काफ़ी तपस्याएँ हुई और वो तपस्या के अंतर्गत जैसे मैंने कहा कि 36 का जो पारणा हुआ उसके लिए आज भक्ति का कार्यक्रम रखा गया है, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम करेंगे उसमें सबसे पहले परमात्मा की भक्ति होनी चाहिए। चाहे हमने तप किया लेकिन हम करेंगे भगवान के अनुग्रह से, भगवान और गुरु दोनों की कृपा के बिना, दोनों के आशीर्वाद के बिना काम नहीं आगे होता है। इसलिए परमात्मा की भक्ति, आदि की सांझी, प्रभु भक्ति के गीत और गुरु भक्ति के गीत हमारे सब बहनें बोलती है, हमारे पुरुष भी बोलते हैं। आज श्री मंडा जैन संघ में काफ़ी लोग बाहर से आए और अब अपने अपने ढंग से सबने गीत भी गाए और स्वामी वात्सल्य यानी कि प्रसाद सभी जो आते हैं वो बराबर जिम के अच्छी तरह से उनकी भक्ति भी होती है। सुबह में सबसे पहले हम गए जो हमारे यहाँ के मंडा जैन संघ के जो प्रमुख हैं दिनेश भाई दोषी और भवनलाल जी दोषी को रिक्शा ले गए अहमदाबाद में। हाँ, ऐसे उनके घर पे हम चैत्य परिपाटी करने के लिए भी गए क्योंकि उन्होंने भगवान का मंदिर बनाया है। भवनलाल जी को रिक्शा ले गए, जिनका नाम आज भगवत रत्न विजय जी अभी सूरत में विराजमान है, उन्होंने अपने तरफ से एक सुंदर छोटा सा जो मंदिर बनाया है उसके दर्शन करने के लिए, इसे जैसे कहा जाता है चैत्य परिपाटी, सब मिलकर की, सब चलकर की, सब पैदल चल कर की, आज हमने सब ने श्री मंडा जैन संघ और गुजराती परिवार समतीनाथ संघ सब मिलकर की चलते चलते हम शिवाजी इंक्लेव जहाँ पर भवला जी का घर तो है लेकिन साथ में वहाँ मंदिर भी है तो हमने दर्शन भी किए और उनकी जो पुत्र वधु है जिनका नाम जोहीबेन रोहित जोशी है, उन्होंने सिद्धि तप की महान तपस्या की, उसकी भी पूर्णा होती आज की, उसके लिए स्वामी वात्सल्य, उसके लिए प्रवचन, उसके लिए बहुमान कार्यक्रम वगैरह वगैरह आज रहे। मतलब कि इतने कार्यक्रम में हम लोग व्यस्त होकर के फिर से हम मंडा जैन संघ में आए, फिर से यहाँ पर हमने यहाँ पर उपदेश दिया, मंगल प्रवचन दिया और साथ साथ में
जैसे कि हमारे सबसे पहले एक लड़का जो कि युवान है, इसका नाम है यश कल्पेश सुराणा, और उनके घर में भी हमने पगलिए किए क्योंकि उसने भी सिद्धि तब किया था। हाँ, छोटी उम्र में, मतलब कि युवा उम्र में उन्होंने भी 36 उपवास और व्याचना किए थे, तो उसकी भी पूर्णाहुति थी। और साथ साथ में हम सागर भाई, अर्षद भाई की मतलब की पत्नी कोमल बहन, उसने भी सिद्धि तब किया था, उसके लिए भी हमने पगलिए किए। यानी कि सुबह से लगा कर की अभी कितना बजा है, 2 बजा होगा। हाँ, तब तक हम मतलब कि कार्यक्रम में व्यस्त रहे थे और हमने फिर बाद में एकाचना किया, क्योंकि मैं खुद आज कई सालों से एक ही टाइम वहाँ पड़ता हूँ, समझ गए ना भाई। हमारे जयंत्र में एक टाइम खा लेना पड़ेगा, एकाचना करते क्या, एकाचना किया और फिर अभी मैं ये हमारे आए हैं हाँ चैनल वाले, तो उनके सामने मैं आपको यही कहता हूँ, आप सबको मैं आशीर्वाद देता हूँ, आप सबको मैं शुभकामना देता हूँ, आप सबको मैं इच्छा विक्रम भी बोलता हूँ कि जाने अनजाने से किसी को भी कुछ भी मन दुख हो गया हो, कटुता हुई हो, तो हमारा सबको इच्छा भी विक्रम है। ये थे हमारे साथ जैन आचार्य पूर्णचंद्र सूरीश्वर जी, जिन्होंने आज पवित्र कार्यक्रम के अवसर पर पैदल यात्रा के साथ साथ तप और तपस्या दोनों में भक्तों के साथ रहे। GNN न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन अफजल खान के साथ ओमपाल प्रसाद, GNN न्यूज़ के लिए।